class today tell me a poem. The poem name is Sadia. You, my name is Kumari Aditi. I study in class 4. Today telling you poem. One little kitten to be. तो दोस्तों जो कार्यक्रम कल का बाकी रह गया था मैंने कहा मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। तो आज के पार्ट में मैं जो रौड़खाल है वहाँ के कार्यक्रम को आपको दिखाऊंगा और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा वहाँ पे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे जो डंडियाल बंधु लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो भी आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है वो उनके साथ जो उनकी टीम आ रखी है तो वही लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं बच्चों से और वो आपको सब कुछ मतलब रियल दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। तो आप आज के कार्यक्रम का आनंद लीजिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय रौड़खाल में और ये है विद्यालय तो काफ़ी प्यारा है और यहाँ पे है राजकीय प्राथमिक विद्यालय रौड़खाल। तो ये प्राथमिक विद्यालय हो गया और ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय हो गया। तो ये दोनों विद्यालय यहाँ पे अभी साथ में चल रहे हैं क्योंकि वहाँ विद्यालय में कुछ काम हो रहा है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रौड़खाल में और इससे पूर्व हम सीरो के प्राथमिक विद्यालय में गए थे, उसके बाद हम वहाँ के जो कन्या विद्यालय है चमधार में फिर वहाँ गए, वहाँ से आने के बाद हम कन्नारपाणी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में गए और अब आ चुके हैं हम रौड़खाल में जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय लगभग एक सामने ही चलते हैं। तो चलो यहाँ के कार्यक्रम को भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए आप बच्चों ने सारे जूते बाहर निकाल रखे हैं, ये इनको संस्कार दिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ बैठे हुए हैं बच्चे, आप देख सकते हैं बच्चे बड़े बैठे हुए हैं और यहाँ पर मैडम उन्हें पढ़ा रही है। ये क्या है? आई फूड। अब इसको कन्वर्ट में किस पे करोगे? अब आप ही पूछेंगे कौन से डेस्क पे क्या कर रहे हो? इसको कन्वर्ट ये कौन सी क्लास है? ये 607 थर्ड है। अच्छा तीन हो गई। वो बच्चे दो कुर्सी ले जाते तो कौन है? वो काम काम ले हां क्या नाम है तुम्हारा? उदित। चल इधर आप पकड़ जाओ 607 8 में कौन था? 8 ये चौथा हां ट्रायंगल कर। अच्छा बेटा बहुत बड़ा स्वागत। दंडियाल विकास एवं सामाजिक कल्याण जो समिति है जिसमें मैं श्रीमान गोविंद भाई साहब को जानता हूँ और हमारे उपनिदेशक साहब श्रीमान दंडियाल जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और आप सबका जो यहाँ पर आए हैं हमारी मातृशक्ति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे इस अवसर पर राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है, न रहबत न किसी राह गुजर से बात बनेगी, न रहबत न किसी राह गुजर से बात बनेगी, तेरे पांव का कांटा सिर्फ तुझी से निकलेगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला अवसर जब हमारे स्कूल में इतनी बड़ी संख्या में कोई सामाजिक संस्था आई है और किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बल्कि निष्काम भावना के लिए आए हैं। आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान भट्ट जी हैं और मैम ग्वाली मैडम है, आप सबका हम अपने छात्रों की ओर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर दो शब्द कहना चाहूंगा कि ए हवाओं बड़ी दूर से चल के आई हो, बड़ी दूर से चल के आई हो, महक और मकरंद लाई हो। ए हवाओं हम तुम्हारी कद्र करते हैं, अपनी सांसों की तरह तुम्हें अपने में समा के रखेंगे। ये अवसर ये दिन आप कैसे करके ये करके आए हैं, कितनी दूर से आए हैं ये हमारे छात्र नहीं जानते क्योंकि ये अभी जिसे कहते हैं निर्दोष प्रज्ञा है, इतना कुछ जानते नहीं, लेकिन जो आप कर रहे हैं यकीन जानिएगा इसका असर इनके मन मस्तिष्क पर सदैव सदैव के लिए रहेगा और भविष्य में ये भी इसी तरह के कुछ बनना चाहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको बहुत बहुत आपकी
यहाँ पर स्कूल में आप लोगों ने हमारा स्वागत किया। बड़ी बड़ी जी मैडम, हम भी आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमको ये मौका दिया। हमने आपको टेलीफोन, हम सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन हमको कोई मौका दे तो ये मौका आपने हमको सेवा का दिया है। हम इनके लिए कुछ नहीं लाए हैं, एक कुछ भेज रहे हैं, ईश्वर करेगा फिर दोबारा आएंगे तो फिर दोबारा कुछ करके जाएंगे, लेकिन अभी तो हम केवल मेल मुलाकात के लिए आए हैं, बच्चों से परिचय करने के लिए आए हैं, आप लोगों से परिचय करने के लिए आए हैं कि हम लोगों की एक सामाजिक संस्था है ये, और इस सामाजिक संस्था के अंतर्गत हम ये छोटे मोटे जो जितने भी हमारी भरसक कोशिश होती है, अभी इतनी बड़ी संस्था नहीं हुई है, इतना इस पर अभी धनदान भी नहीं है, कहीं से कोई NGO नहीं है जो कहीं से कोई सहायता प्राप्त हो हमको, हमारा आपस का ही कलेक्शन है और आपस के कलेक्शन से हम जो है ये सब करते रहते हैं। आपने हमें इस यहाँ आने का मौका दिया और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने लोग हम एक साथ एक जगह पे आ गए, अलग अलग लोग, यानी ये देखिए नोएडा से दिल्ली से आए हैं, कोई देहरादून से आया है, तो बहुत बहुत हम लोग कोटद्वार से आए हैं, तो चलो हमारा तो नजदीक है, लेकिन ये लोग तो अपना टाइम खर्च करके पैसा खर्च करके आए हैं केवल इससे कि ये थोड़ा सा हमको इनसे आत्मिक लगाव हो जाए और हम ऐसे काम करें और जिससे हम भविष्य में बड़े काम करने के लिए सोच सके। तो अभी हमारी पहला प्रथम सोपान है, प्रथम पायदान है हमारी, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और प्रथम पायदान पे ये बच्चे भी हैं, तो हम भी बिल्कुल शैशवावस्था में ही हैं, जो हमारी समिति है, हमारी समिति भी बिल्कुल शैशवावस्था में ही है, तो हम शैशवावस्था के ही कार्य कर रहे हैं। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो बड़े काम भी करेंगे, पर आप लोगों का सहयोग भी चाहिए और आशीर्वाद भी चाहिए, और फिर गुरुजन तो चाहे छोटे हों या बड़े हों, गुरु की पदवी तो बहुत बड़ी है, और हम आपके यहाँ आकर के अपने को धन्य समझ रहे हैं और इन बच्चों से मिलकर के हम और भी अपने को कृतार्थ समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आए और आप लोगों ने हमारा स्वागत किया। जब इस विद्यालय के लिए आपके परिवार द्वारा इस तरह की कुछ भेंट दी गई है, लेकिन वो जो पहला अवसर था वो स्मरण करने योग्य नहीं है, जब हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान पूर्णानंद रंजाल जी ने किसी अवसर पर बच्चों को कुछ दान दिया था, वो भी हमारे भ्राता श्री श्रीमान अनिल डंडियाल जी की स्मृति में यहाँ पर बच्चों को कुछ दान दिया था। आज एक शुभ अवसर पर आप आए हैं और मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम सरस्वती के साधक हैं, सरस्वती तरंगों में विराजती है और तरंगों की जो अनुभूज होती है वो हमेशा जाती है। आपका कार्य भले ही यह शैशव अवस्था में हो लेकिन भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा एक संदेश इन छात्रों के बीच जाएगा, और जैसे मैंने कहा कि जब ये बड़े होंगे तो इस कार्य की जो छवि है इनके मन मस्तिष्क पर हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, और इसी अवसर पर मैं अपने उपनिदेशक श्रीमान गंजाल जी से निवेदन करता हूँ कि आशीर्वाद बोलूंगा तो मैं तो शिक्षा से संबंधित बोल रहा हूँ, बाकी और लपे लपाड़े कुछ जानता हूँ, हमारे अध्यक्ष जी तो बहुत कुछ नहीं भाई सबसे, तो हमारा मकसद शिक्षा को बढ़ाने का था जिसके लिए आप समर्पित हैं, और प्यारे बच्चे जो हमारे ये हैं ये हमारी भावी पीढ़ी के कर्णधार हैं, क्योंकि हमारी संस्था एक जिस समाज से हम आए हैं उसके प्रति एक दायित्व किसी हर इंसान का होना चाहिए कि वो उसके प्रति अपने दायित्व को निभाए। जिस समाज से हम आए यदि उस समाज को हम कुछ दे के जा रहे हैं तो यही इस जीवन का पुण्य है, बाकी तो सब धरा का धरा रह जाएगा। मैं अपनी संस्था की ओर से हमारे अध्यक्ष महोदय की तरफ से इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही आप लोगों ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया इसके लिए इस दोनों विद्यालयों के शिक्षकों का तह दिल से साधुवाद धन्यवाद। और कहा कि हम अभी प्रथम सोपान पे हैं, हम ये चाहेंगे कि ऐसे ही हम हर साल कुछ न कुछ करते रहें, आते रहें, और समस्या ये है कि हमारे जो पार्वतीय क्षेत्र में इन बच्चों का विजन एक बहुत सीमित हो रहा है, क्योंकि न तो इनका एक्सपोजर होता है न ये कहीं सोच पाते हैं। मैक्सिमम जहाँ भी जाता हूँ मैं तो क्या कहते हैं कि मैं फौजी बनूंगा, मैं उससे ऊपर नहीं सोचता, तो मेरा निवेदन अपने शिक्षक साथियों से इनका विजन खोलिए, इनको जो दुनिया चल रही है उसके बारे में भी इनको अवगत कराएं कि क्या क्या होगा दुनिया में, तो ये मेरा आपके शिक्षक साथियों से निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल जो आपने कहा है हम सब पलायन की मार से जूझ रहे हैं, और स्थिति यह है कि अगर
कोई आदमी थोड़ा जोर से भी बोलते तो बच्चे उसी में सहम से जाते हैं, क्योंकि ये संख्या जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस संकुल में जहाँ पर भी आप गए होंगे ये सबसे ज्यादा है। तो समस्या सबसे बड़ी ये है, वो सब पलायन के बैल है। तो मुझे लगता है कि कुछ लौटेंगे, आप लोगों में से कुछ बच्चों के प्रति कुछ कहना चाहेंगे तो बस बच्चों के प्रति मैं बच्चों तुम्हारा ध्यान एक मिनट के लिए चाहूंगा कि आपके स्कूल में एक ऐसी हस्ती आई हुई है कि जो कनारपाणी स्कूल देखा है आपने, सुना तो होगा ना, देखा भी होगा। कनारपाणी स्कूल में ऐसे ही टाट पट्टी में बैठने वाला एक विद्यार्थी उपनिदेशक के पद तक पहुंचा है और वो हमारे बीच है। ये हमारे लिए और भी गौरव की बात है और आप लोगों को इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। इनका विजन बड़ा था तो ये बड़े विजन तक पहुंचे और मैं भी उसी स्कूल का छात्र हूँ। हम चार छात्र हैं उस स्कूल के, चाचा जी हैं सुरेश चाचा जी, मैं हूँ और कांता चाचा जी और रहने चाचा और मैं, हम चारों जने उसी कनारपाणी स्कूल में पढ़े। आज बड़ी मतलब दुख होता है केवल दो विद्यार्थी उसमें है। अब एक टाइम वो था वहाँ कि बैठने की जगह नहीं मिलती थी, छह सात गाँव का अकेला स्कूल हुआ करता था, उस बांध के पेड़ में जो खाना टांगते थे हम, उस पर जगह नहीं होती थी खाना टांगने की। और आज एक दिन ऐसा है कि वहाँ दो ही विद्यार्थी हैं जी। तो बच्चों विजन बड़ा रखो। और कहा था कि न रहबर से न किसी रहगुजर से निकलेगा हमारे पाँव का कांटा, सिर्फ हम ही से निकलेगा। तो हम ये उम्मीद करें कि कोई बाहर वाला करेगा। उत्तराखंड बनने के बाद हम और आप सब की ये मिली जुली जिम्मेदारी होगी। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत से रही है, जब से आपके टेलीफोनिक बातें होती रही, तो हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान भट्टजी ने इस कार्यक्रम की बात बात सबके करीब बच्चों से कहा और हमारे हम क्योंकि मैं भी दो दिन पहले अवकाश पर ही था तो ये सब बातें उन्होंने करी है। तो मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि भट्टजी विद्यालय परिवार की तरफ से आप लोगों को तो मैंने मतलब एक मुहिम चलाई थी व्हाट्सएप में, मैंने कहा यहाँ पर जो है हमारा जो सक्सेस हो सकता है वो चद्दर हो सकती है। 1943-48 का ऊपर का विद्यालय आज भी उसकी जो चादर है वो बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा अब आप जो है एक मतलब पहले तो आपके कुछ मतलब एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते कहीं पर भी मतलब जो है हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, लेकिन जरा मैं आपसे व्यक्तिगत अनुरोध करता हूँ कि मतलब जो है शिक्षा क्षेत्र में एक तो दुनिया भर के क्या हो रहे हैं, अपनी खुशियों को बांटते हैं। तो मुझे जैसा गर्भसार याद आता है कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत करो जब को सुखी बनाओ। आप अपनी खुशियों को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। और कोई कोटद्वार से आया है जैसे मुझे पता चला, आप सीमान अल्मोड़ा से आए हैं, सब दूर दूर से आए हैं, कुछ हमारे गाँव के भी आए हैं। तो निसंदेह है ये सब चीजें हमें और हमारे बच्चों को हमेशा याद रहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये भाई साहब आपके परिवार की तरफ से ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जबकि क्षेत्र के बच्चों के प्रति आपने अपनी खुशियों को बांटा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जितने भी हम शब्द कहें सब कम ही हैं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे जॉन एफ कैनेडी का किन्हीं संदर्भ में कहा गया कुछ वक्तव्य याद आ रहा कि आस्क नॉट व्हाट कंट्री हैज डन फॉर यू, टेल व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री। तो ये समय आ गया है, सब बच्चे मैं हम नाम लेते हैं। कक्षा 6 मास्टर रियांश खड़े उठे, अरे खड़े उठे मास्टर, आप बारी बारी से जाएंगे ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, नाम क्या? अपना बैठो रितेश, ये रितिका है, रितिका
स्टडी क्लासेस टुडे टेलिंग यू पोयम। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता, पिंजरे में गेंद, एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली सीटी भी है। कई तरह की सुंदर चाबी भरते ने से भगभग करती चलने वाली है। सीटी भी है कई तरह की सुंदर चाबी भरते ने से भगभग करती चलने वाली है। बली से पहले कानों में बानी, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा था, छोटे छोटे धनबाड़े हैं, छोटी छोटी तलवा, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वार आ चुका। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज मेरी मनोज, स्टडी इन क्लास सर, टुडे टेलिंग यू पोएम, द पोएम नेम इज सर्दिया। सर्दी आई, ठंड के पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दूर चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सुखड़ी सबकी चाल हो, खिट रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाफ रहे, धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी। माय नेम इज कुमारी आदित्य, आई स्टडी इन क्लास 4, टुडे टेलिंग यू पोयम। वन लिटिल किटन, टू बी कैट, थ्री बेबी बटरफ्लाई, फोर बी रैट, फाइव पैट फिशेस, सिक्स पैट सील्स, सेवन सिली सी गूस, एट हैप्पी ईल्स, नाइन नर्वस लिजार्ड, टेन बेबी, इलेवन स्माइली एलिगेटर्स। में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, तेरी रंग भूमि अभी सदरा, हर फेर में मेल में तू ही तो है, भोजन में सभी सुना, भोजन मतलब सुना, भोजन और सब सब लोग एक साथ। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? चॉकलेट भी मिली हुई है आपको, ट्रैक छोटी मिल गई, तो सबको अच्छा लग रहा है? तो ठीक है फिर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, ठीक है, खूब पढ़ाई करना है।